एवरग्रीन मसाला चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दीपावली क्लीनिंग में सोफ़ा क्लीन करना बता रही हूँ और इसके बाद ही जस्ट बताऊँगी फ्लोर क्लीन करने के लिए, तो जस्ट मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। तो सबसे पहले सोफ़ा क्लीन करने के लिए हम एक बड़े से बर्तन में कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं और उसमें हल्का गुनगुना पानी लेना है। हल्का गुनगुना यानी कि हल्का पानी गर्म कर ले, ज़्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए। और उसके बाद उसमें हमें मिलाना है बेकिंग सोडा। दोस्तों यहाँ पे बेकिंग सोडा, आप अगर आपका सोफ़ा बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट कपड़े का है तो बेकिंग सोडा बहुत ही कम डालें। तब बेकिंग सोडा इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम आपके सोफ़ा वगैरह में, अक्सर बच्चे सुसु कर देते हैं, समटाइम्स कुछ गिर जाता है, उसकी वजह से स्मेल आ जाती है। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है बहुत ही गंदगी, गंदा सोफ़ा का मैल बहुत ही आसानी से निकालता है। तो आपके सोफ़ा अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो ज़रूर से ज़रूर बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें। अगर बहुत ही लाइट गंदा है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया है बहुत ही सिंपली तरीके से, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और या तो आप एंड स्क्रीन सेक्शन से देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आज मैं बता रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे सोफ़ा के लिए है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा सोफ़ा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा उसमें स्मेल हो जाती है, तो उसको आप कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बेकिंग सोडा और पानी का इस तरह से सबसे पहले घोल तैयार कर ले, क्योंकि सोफ़ा हमें पूरा क्लीन करना होता है तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेकिंग सोडा की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सस्ते में आपका सोफ़ा क्लीन हो जाएगा। तो लगभग 200 से 250 ग्राम आप इसमें बेकिंग सोडा डाल दें हल्का गुनगुना पानी में और उसका एक अच्छा मिश्रण रेडी कर लेंगे। काफ़ी अच्छा मिश्रण रेडी करना है और जैसे ही हमारा मिश्रण रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको मेरा सोफ़ा का कंडीशन। तो देख सकते हैं कि ये सोफ़ा मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, आप जगह जगह देख सकते हैं धब्बे हैं, खास तौर पे जो हाथ रखने वाला होता है वो देख सकते हैं कितना काला हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो आपका भी सोफ़ा अगर इस तरह से गंदा हो रखा है तो ये टेक्निक आप ज़रूर अपनाएं। आपको कुछ दिन लगेगा कि आपका सोफ़ा हार्ड हो गया है, लेकिन हार्ड नहीं होता है वो, धीरे 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 जब आप उस पर बैठने लगेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने से इंस्टेंटली वो लगता है हार्ड हो गया है, लेकिन वो हार्ड नहीं होता है। उसको बाद मैंने बाल्टी में एक पानी, लगभग बाल्टी भर पानी ले लिया है और वो भी हल्का गुनगुना पानी है, आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम करेंगे लास्ट में पोंछने के लिए सोफ़ा को, और जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया उसमें हम थोड़ा सा शैम्पू डाल देंगे, कोई सा आप शैम्पू डाल सकते हैं। शैम्पू डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहेगा और फेन एक अच्छा आएगा, तो कि जो कि अगर तेल वगैरह का कुछ भी ऐसा दाग रहेगा तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा आपके सोफ़ा में से। कंडीशनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे, और इस तरह से हमें बेकिंग सोडा और पानी और शैम्पू का मिश्रण जो है पूरे सोफे पे फैला लेना है। और अगर आपका सोफ़ा जो है कपड़े वगैरह का है तो उस पर ये टेक्निक उतना ख़राब नहीं होगा। अगर लेदर वगैरह का है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा का है, तो आप इसमें सोडा का थोड़ा कम इस्तेमाल करें। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सोडा डालने से हार्ड हो जाएगा, हार्ड नहीं होगा बिल्कुल। उस टाइम आपको लगेगा कि हार्ड हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर 1-2 दिन बैठोगे बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन ये आपके सोफ़ा को बिल्कुल नया जैसा कर देगा, बहुत ही गंदा जो है आपका वो निकाल देगा, बदबू वगैरह जितनी होती है तो वो निकाल देगा। अब बहुत लोगों की शिकायत होती है, इसके पहले मैंने सोफ़ा क्लीनिंग का वीडियो डाला हुआ है, उसमें भी बहुत लोग बोले हैं कि मैम हमारे घर धूप नहीं आती है और तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आप यही कर सकते हैं कि बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करें, जितना कम हो सके उतना पानी का इस्तेमाल करें, और फिर उसको अच्छे से पोंछ लेना है सूखे कपड़े से और फैन चला के सुखाना है। तो 20-25 मिनट ऐसे लगा करके हमें 15-20 मिनट तक छोड़ दीजिए, ताकि जो बेकिंग सोडा और पानी का मिश्रण है वो काफ़ी अच्छे से गंदा को फुला दे। उसके लिए उसके बाद हमें 2 टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी, एक गीला करके पोंछने के लिए और एक सूखा पोंछने के लिए। तो 20-25 मिनट के बाद हम देखेंगे, 20-25 मिनट के बाद हमारा जितना गंदा है सब, ये सब है सब लगभग फूल चुका है, बेकिंग सोडा ने अपना कमाल दिखा दिया है, तो ये सारे धब्बे वगैरह जो है बहुत हद तक निकल जाएंगे। आप ये टेक्निक 2 से 3 बार जैसे करोगे बहुत ही जल्दी से आपका सोफ़ा जो है क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा रब करना है, क्योंकि सोफ़ा क्लीनिंग का काम थोड़ा सा घर में ज़रूरी होता है, क्योंकि सोफ़ा हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, हॉल में रहता है, तो जितने भी गेस्ट वगैरह आते सब सोफ़ा पे बैठते हैं, इसलिए आप महीने में एक बार सोफ़ा क्लीन तो ज़रूर करें।
मेरा सोफ़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इसके पहले भी मैंने सोफ़ा क्लीनिंग का बहुत ही सिंपल वीडियो डाला है, वो भी तरीका बहुत कारगर है, उससे भी आप कर सकते हैं। लगभग यही सेम है, लगभग इसमें मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया, उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत लोगों की ने कमेंट्स किया था कि हमारे सोफ़ा में बहुत स्मेल होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड दाग होता है, तो बेकिंग सोडा उससे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए आज मैं बेकिंग सोडा से साफ़ करने के लिए बता रही हूँ। ये हैंड वाला पार्ट होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो जमा होता है, तो इसको आप इस तरह से आप आसानी से रब करके हटा सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा ने अपना कमाल दिखा दिया है, काफ़ी अच्छे से सारे गंदगी को फुला दिया है। तो अच्छे से रब करें, और उसके बाद ये टॉवल, जो पुराना से कोई भी कपड़ा हो, तो जो मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है उसमें इस तरह से डिप करके अच्छे से पानी निचोड़ ले। ध्यान रखें कि यहाँ पानी का कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत लोग की घर में अगर धूप नहीं आती है तो प्रॉब्लम होगा सुखाने में। जैसे मेरे घर में धूप की फैसिलिटी है, तो मैं सारे सोफ़ा का जो ये गद्दे वगैरह है उसको मैं धूप में डाल देती हूँ। तो इस तरह से अच्छे से पहले पोंछ ले। आप देख सकते हैं कि जितना गंदा जो इस पर धब्बा वगैरह लगा हुआ था सब निकल चुका है। तो इस तरह से सब जगह अच्छे से पोंछ ले भिंगा करके, जितना भी बेकिंग सोडा वगैरह कहीं सूखा हुआ होगा तो हट जाएगा। इस दिवाली आप ज़रूर से ज़रूर अपने सोफ़ा की सफाई करेंगे ही, तो ये टेक्निक से करें। और ये नहीं कर सकते अगर नॉर्मल गंदा है तो दूसरे वाला टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों साइड की में आप फ़र्क देख सकते हैं, सीटर में एक गंदा है और एक काफ़ी साफ़ हो चुका है। उसके बाद ये सूखा टॉवल ले। सूखा टॉवल से अगर आपके घर में धूप की फैसिलिटी नहीं है, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ, मेरे घर में है तो मैं धूप में डाल देती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ अगर आपके घर में धूप की फैसिलिटी नहीं है तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से पोंछ ले सूखे टॉवल से। देख सकते हैं दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो इस तरह से मैंने साफ़ कर लिया मेरा सोफ़ा, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है और बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। थोड़ा बहुत जो गंदा है एक दो बार धोने से आप बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इसके जस्ट बाद का वीडियो आप देखना ना भूले, उसमें मैं जस्ट बताऊंगी इसके बाद का कि फ्लोर क्लीन कैसे मैंने किया है। सोफ़ा क्लीन करने के बाद फ्लोर क्लीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है। तो देखते रहे मेरा ऐसे आने वाला वीडियो, बने रहे मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।